देश भर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत बनी हुई है, क्योंकि बारिश तो हो रही है लेकिन जल भराव की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ टूट रहे हैं जिससे सड़कें भी बंद हो रही हैं। अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की जाए तो असम और अरुणाचल में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी है। यहाँ ये फर्क कर पाना मुश्किल है कि नदी का दूसरा किनारा कहां है और गांव की सरहद किधर है। सड़क, रास्ते, पगडंडियां सब सैलाब में डूब चुकी हैं। असम के बराक घाटी में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। तेज बारिश के चलते बराक घाटी के सभी नदियां उफान पर हैं। बराक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। लोगों के लिए आने जाने का साधन बस नाव ही बचा है। यूपी और उत्तराखंड में भी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ भी टूट कर गिर रहे हैं, सड़कें जाम हो रही हैं। आज खास इसी पर चर्चा कि किस तरीके से बारिश से लगातार हालत खराब हो रही है, जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत देखने को मिल रही है। देश भर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई पहाड़ी इलाकों पर ऐसे घर भी इस जल भराव और तेज बारिश के चलते इस आपदा का शिकार हो रहे हैं। सड़कें बाधित हो रही हैं क्योंकि सड़कों तक मलबा आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों की भी पोल खुलती है। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, ऐसे में काफ़ी हद तक इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता है। और इसी के लिए देखिए लगातार प्रयास किए जाते हैं कि मॉनसून आए इससे पहले प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ले ताकि मॉनसून के समय खतरा जो है कम से कम हो, नुकसान जो है कम से कम हो। और इसके लिए कोशिशों का दौर जारी रहता है लेकिन जैसे ही मॉनसून शुरू होता है तो देखने को ये मिलता है कि प्रशासन के जो वादे हैं कि पहले से ही काम कर लिया गया है वो जमीनी स्तर पर झूठे साबित होते हैं, जिसका खामियाजा कुल मिलाकर लोगों को ही भुगतना पड़ता है। लोग अपने घरों के आगे देखते हैं कि जल भराव की स्थिति हो जाती है। यहाँ तक कि कई ऐसे अधिकारियों के ऑफिस हैं जो पूरी तरीके से जल भराव की स्थिति में डूबे रहते हैं। अधिकारियों तक शिकायत भी लेकर लोग नहीं जा पाते हैं, ये स्थिति देखने को मिलती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ त्रिलोक चंद जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद है वो। त्रिलोक जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, सुशील जी आपका भी बहुत स्वागत। त्रिलोक जी सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ करती हूँ क्योंकि जिस तरीके की स्थिति हम लोग देख रहे हैं मानसून में, कहीं आफत है तो कहीं राहत है लेकिन हर बार हम लोग देखते हैं मानसून की ज्यों की त्यों ही तस्वीर रहती है। क्या कभी कोई बदलाव हो पाएगा या फिर इसे सिर्फ प्राकृतिक आपदा मानकर इसी तरीके से हम लोग को सहना पड़ेगा? नमस्कार, सबसे पहले मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। पर्वतीय अंचलों में देखें तो आजकल देवभूमि उत्तराखंड में, मैं तो उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो यहां पर लगातार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश से हमारी सड़कें बाधित हो चुकी हैं, रास्ते खराब हो चुके हैं, आने जाने की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये तमाम चीजें जो है कि चीजों से हमको झेलना पड़ रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है कि एक तो हमने जो है कि इस समय की गर्मी में बहुत सारी आगजनी घटनाएं हुई, उस आगजनी घटना के कारण भी लगातार जो है कि बारिश हुई, वो जंगलें जली हैं। जंगलों जलनों के कारण क्या हुआ कि वहां पर जो बारिश हो रही है सीधा जो है कि विकराल रूप रखे हमारे सामने आ रही। पर थोड़ा सा प्रशासन के ये रहा कि जब इतनी भयंकर गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ने के कारण जो है कि हम लोगों को पहले अलर्ट होना चाहिए था कि बारिश भी इसी कदर से होगी, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई हैं क्योंकि तत्काल गर्मी हुई तो लगातार एकदम तुरंत बारिश आ गई। उस बारिश आने के कारण जो कि पर्वतीय अंचलों में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर समय रहते हुए अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि आप देख रहे हैं कि कितनी जनधन की भी हानि यहाँ पर हो रही है। हम पहाड़ी जनपद के लोगों का रहने का इस बारिश के सीजन में इतना कठिन जीवन हो जाता कि वो हम ही जानते किस तरीके के हैं। तो जरूरी था कि सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो कि इसको पहले नियोजित बना देते हैं
तो हो सकता कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। कई लोग जो कि यात्रा के चक्कर में, बद्रीनाथ के चक्कर में आ रहे हैं, और कई लोग जो कि हेमकुंड के चक्कर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भले हमारे प्रशासन ने उनको रोकने का प्रयास किया, लोग मान नहीं रहे, लोग आ रहे हैं, पहाड़े खिसक रहे हैं, कई लोग इस पर जो कि मर चुके हैं, कई लोग दब चुके हैं। तो जनता को भी समझना पड़ेगा कि भाई ये पर्वतीय जिले हैं, ये प्राकृतिक चीजें हैं, इसमें होना है तो होना ही है, बारिश का सीजन है तो बारिश आएगी, जी इस समय हम गर्मी का एहसास नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से बारिश हो रही है तो लोगों को अलर्ट होना चाहिए। सरकार ने योजना बनाई है, सरकार ने, हमारे उत्तराखंड सरकार ने तो इस तरीके की योजना बनाएंगी, अगर अधिक ज्यादा बारिश होती है तो लोगों को रोकने के लिए जो कि पहले ही उन्होंने कि हाई अलर्ट करके रखा कि आप ना आए बाहर, ना यात्रा ना करें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों को अपने जीवन नहीं है, घूमने का नजारा जीवन ही नहीं रहेगा तो आप लोग घूम के क्या करोगे। इसलिए जो है कि बड़ी विकट स्थितियां हैं, लोगों को इस ओर समझना पड़ेगा कि भाई पर्वतीय अंचल है, बारिश का सीजन है, हमको चलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा चलना है नहीं के, क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं, मेरे घर के कई लोग हैं, उनको, उनके कारण भी मुझे ये चीजें देखने पड़ेंगे कि घर से निकलना कितना संभव है। जी बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके से जब आपदा दावत दे रही हो तब बिल्कुल भी अपने घरों से बाहर ना निकलें और थोड़ी सी सावधानी बरतें। सुशील जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ना केवल उत्तराखंड की स्थिति बल्कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी स्थिति बद से बदतर नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, चैलेंज होता है पहाड़ी इलाकों में खासतौर से, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। सुशील जी, आपकी ऑडियो जो है म्यूट है, उसे प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, हो चलिए। गया, ठीक जी है। जी अब आपकी आवाज मिल रही है मुझे। एक तो हो गया अचानक काफी ज्यादा बारिश, दूसरा हो गया जब जाते हैं उस टाइम क्या होता है, जो बड़े बड़े होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी भी आपकी ऑडियो मुझे दुरुस्त तरीके से आ नहीं रही है। सुशील जी, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ, फिर आपके पास लौटती हूँ। त्रिलोक जी, आपके पास ही आती हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं परिस्थितियां बनी हैं, असम की स्थिति देख लीजिए, बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो एक कटोरे जैसी है, इस वजह से वहां पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसका जिक्र हम लोग लगातार करते हैं चर्चा में, कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा क्यों इतना ज्यादा खराब है कि बार बार इस तरीके की परेशानियां उत्पन्न होती है और हर बार यही हाल रह जाता है। बिल्कुल, पर्वतीय जिले हैं, भौगोलिक स्थिति के अगर हम बात कर रहे हैं तो जितने भी पहाड़ी हमारे भारत देश के राज्य हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की बनावटें हैं जहाँ पर लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी नदी नाले खालों का जो निर्माण हुआ है उसका अगर हम कहते हैं, तो वो जो नदी नाले बने हुए हैं वो कट के बने हुए हैं। हो सकता कि इस समय में एक प्लेन रहा तो एक घाटी नुमा बने हैं, और क्या हुआ कि जहाँ पर वो चीजें छूटी हुई हैं, घाटी नुमा चीजें में जो जगह छूटी है वैसा जगह लोग बस गए हैं। अब क्या होता है, अगर इधर उधर आना भी होता आदमी को तो बीच के पगडंडी बनानी पड़ती है, पुल बनाना पड़ता है। सरकार अगर जहां पर पुल बना लेती तो वो तो ठीक है, लेकिन जहां पर पुल नहीं बना पाते हैं, विषम परिस्थितियां होती है, वहां पर लोग स्वयं क्या कर लेते हैं, अपने वहां पर पुल बना देते हैं, गड्ढियां लगा गए, नदी पर लगा गए, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है कि जो आम आदमी है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये निश्चित बात है कि जो हमारे स्टैंडर्ड पैटर्न में वो है, नदियां हैं, नाले हैं, इन नदी नालों के ओर हमें नहीं बैठना, बसना चाहिए। क्योंकि पर्वतीय जिले हैं, बादल फटने की घटनाएं भी अधिकतर अमूमन देखने को मिलता है, तो पर्वतीय जिलों में ही हमको देखने को मिलता है। और जो है कि नदियां नाले जो फूट करके आ रहे हैं वो भी जो है कि पहाड़ों में ही। हाँ, ये जरूर है कि जब पहाड़ों से जो है नदियां जो है निकल रही हैं, इतना पानी आ रहा है, तो वो निश्चित बात है कि मैदानों की ओर भी जो है कि कहीं ना कहीं जो कि जल भरा हो रहा होगा, कहीं ना कहीं जो है कि लोगों में बाढ़ की स्थिति बने हो गए। ये चीजें हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति नहीं होती, लेकिन बाढ़ को उत्पन्न करने वाली चीजें हमारे पहाड़ों में होते हैं। इसलिए पहले ही यहाँ पर इस तरीके की कार्य योजनाएं शासन प्रशासन की ओर से किया जाना चाहिए कि बरसात की सीजन है कि नदियों का रुख कहीं है। हमारे पहाड़ों में देखे होंगे कि जो मकाने भी बने हो तो वो पुश्तों के ऊपर बने रहते हैं, आंगन बना रहता है उसमें, क्योंकि जो हम खेत खलियान करते हैं वो चीजें उसमें सुखाने के लिए बना देते हैं, और बरसात के रूप में अमूमन देखा जाता है कि वो टूट जाते हैं। तो इससे वो दीवाली नहीं टूटते लेकिन मकानों को भी क्षति पहुंच जाती है। तो वहां पर जो कि जो भू सर्वेक्षण विभाग है, जो हमारे पंचायती राज वाले हैं, जो ब्लॉक स्तर के चीजें हैं, जो ग्राम प्रधान है, इन चीजों का मॉनिटरिंग होना चाहिए। हमने तो ये भी एक बात उठाई थी कि
कम से कम जो है कि बरसात का सीजन आने से पहले कम से कम जो है कि 3 महीने ऐसा सर्चिंग हो जाना चाहिए कि जो आपदा वाले क्षेत्र हैं, जहां पर बाढ़ की संभावना है, जहां पर जो है कि भूस्खलन जैसे था, उसको चिन्हित करके ऐसे जगहों से लोगों को सुरक्षित जगह में रखा है ताकि कोई जनधन की हानि ना हो। लेकिन हम एक छोटे आदमी हैं, हमारी बातों को कौन सुनता है। आप जैसे लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके माध्यम से मेरी बात है जो पूरे देश तक जा रही है, निश्चित तरीके देश को लोगों को भी इस तरह अलर्ट होने का समझना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन गौर करने वाली बात है, क्योंकि स्थिति बद से बदतर ना रह जाए हमेशा के लिए, इसके लिए जागरूक होना ही पड़ेगा और वो समय आ चुका है। ठीक है, हमारे साथ आनंद शर्मा भी जुड़ गए हैं, मौसम मामलों के जानकार हैं वो। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका भी। आपके पास आती हूँ क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है और आफत बनकर बरस रहा है, ऐसे में जो स्थिति आप देख रहे हैं या क्योंकि पूर्वानुमान जता दिया जाता है, उसके हिसाब से तैयारियां किस तरीके से होनी चाहिए? क्या कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी आपको भी नजर आती है? देखिए, एक तो बहुत जरूरी है कि मॉनसून सीजन के अंदर जिस तरह से हमारी यात्राएं चलती हैं, तो वो बहुत ज्यादातर एरिया जो है वो संवेदनशील एरिया है। एक दूसरा, मॉनसून सीजन में हिमालय क्षेत्र में भारी, बहुत भारी और कभी कभार अत्यधिक भारी वर्षा होती है। और अभी भी जो मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी दी गई है उसमें कहा गया अनेक स्थानों पर वर्षा हो सकती है और खासकर कहीं कहीं भारी वर्षा, और वो भी खासकर जो आपके फुटहिल्स वाले रीजन्स हैं, जितने भी उन रीजन्स में ज्यादा संभावना है। तो नेचुरली ऐसे में आप लोगों को मतलब जो भी यात्राएं हैं या जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उनके लिए बीच बीच में पड़ाव में हर जगह जहाँ संवेदनशील एरिया है वहां उनको रुकना चाहिए, उनको आगे नहीं जाना देना चाहिए, वहां से बैरियर्स लगे होने चाहिए। हमने बहुत बार कहा है कि ऋषिकेश में और जहाँ से एंट्री होती है माउंटेन्स की गढ़वाल के लिए, ऐसे ही कुमाऊं के लिए, वहां पे बड़े बड़े आपको डिस्प्ले बोर्ड लगाने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, कि भाई कहाँ पे रास्ता खराब है, कहाँ पे किस स्ट्रेच के अंदर भारी वर्षा की चेतावनी है, कहाँ लैंडस्लाइड की चेतावनी है, इस तरह की चेतावनी डिस्प्ले होनी चाहिए। और जो संवेदनशील एरिया है वहां पे बैरियर्स लग जाने चाहिए कि जिससे कि लोग आगे ना जा सके। और मुझे लगता है कहीं लोगों का इंटरेस्ट टूरिज्म बढ़ाने में है, उससे स्टेट का पैसा आता है और होटल और टैक्सी और ये सभी बिजनेस जुड़े हुए हैं उसके साथ, तो कई बार मुझे लगता है डिसीजन नहीं लिए जाते ऐसे कि लोगों को रोका जाए। तो ऐसे में क्या होता है, जब ज्यादातर जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है लोगों की और ऊपर से भारी वर्षा हो जाती है और पहाड़ तो आपको पता है कभी भी दरक जाते हैं, तो लैंडस्लाइड हो जाता है, उसमें ऐसे में जान माल का खतरा बना रहता है। तो मुझे लगता है सरकारों को काफी सचेत होना होगा, प्रोएक्टिव होकर इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि रेगुलेट की जाए सारी यात्राएं और टूरिज्म। बिल्कुल, देखिए हादसों को तो बचाना सबसे सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए, और जो आपने जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं वक्त रहते ही रोकना चाहिए जो पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं खासतौर से। ठीक है त्रिलोक जी, आपके पास आती हूँ, सुशील जी के पास, माफ कीजिएगा सुशील जी, क्योंकि देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हादसों को काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जो टर्म यूज किया है जिस तरीके से आनंद जी ने, कि प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है और इसकी अब कहीं ना कहीं मांग भी है। देखिए जी, ये सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन इसमें जो योगदान है वो जो बाशिंदे देश के उनके ऊपर भी बनती है। आप देख लीजिए, ये जो आपदा जब कोई टेम्परेचर बहुत हो जाता है, हाई हो जाता है, या एक ही दिन हद से ज्यादा बारिश पड़ती है, ये चीजें तो होनी है, क्योंकि ऊपर जो ग्लेशियर से ज्यादा हीट हो गया तो ग्लेशियर से एकदम वो या पिघल जाते हैं तो एकदम नीचे बारिश आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है जो दरिया वगैरह है उसमें फ्लड आता है ज्यादा। अब सरकार की जिम्मेवारी है ये चीज के लोगों को, जैसे आज तक दिल्ली में चलते हैं या लोग जाते हैं यात्रा वगैरह पे, उसको रोकना। लेकिन लोग इतने उत्सुक होते हैं कि मानते नहीं सरकार की बात, फिर भी निकल पाते हैं चेतावनी के बावजूद भी। उसके बाद जो दूसरा चीज लोगों का या जिसमें क्या योगदान है प्राकृतिक आपदा में, जैसे ये वहां पर दरिया है उत्तराखंड वगैरह में, आप देखिए या हिमाचल में दरिया के किनारे पर लोगों ने मकान बना के रखे हैं, जिन्हें सरकार को पहले बनाने नहीं देना चाहिए था, अब उन्होंने मकान बना दिया, जब दिन में उफान आ जाता है तो पहले वो मकान गिर जाते हैं, तो लोगों का भी फर्ज बनता है इस चीज को रोकने के लिए।
अब देखिए, आपने कहा था लेकिन पहाड़ियों और ये प्लेन की बात, प्लेन में क्या चीज, आप देख लीजिए इस टाइम सबसे जो वर्ष चल रहा है फ्लड वो चल रहा है आसाम में, जहाँ 80% ऑफ आसाम पानी में चला गया। उसके बाद बॉम्बे में भी जबरदस्त चल रहा है, आज पूरा बॉम्बे बंद रहा, सुपौल बंद रहे, ट्रेनें वगैरह बंद रही। उसके लिए देख लीजिए, ये जो अपना मानव है वही जिम्मेवार है आज से ज्यादा से। जो पहले होते थे ग्राउंड, जैसे किसी भी सिटी में आप जाएंगे हर जगह थोड़े थोड़े ग्राउंड खाली होते थे, उस पर लोगों ने कब्जा किया या बिल्डरों ने किया या सरकार ने उनके कॉलोनियां बसा दी। वो इसलिए होते थे कि पानी जब ज्यादा होता था उन ग्राउंड में जाके वो नीचे अब्जॉर्ब करता था। फिर होते थे हर जो बड़ी नदी थी उसमें फ्लड चैनल होती थी साथ में, अगर पानी ज्यादा आता था उसके साथ वो उधर से निकल जाता था। फिर हो गया ये लेक्स जो बड़े बड़े थे, आप देखते मिसाल के तौर पे कर्नाटक बेंगलोर में 200 लेक्स थे 1990 तक, और वो लेक रह गए आज 90 ने 10 टोटल रह गए। वो 190 जो लेक थे वो उन्होंने क्या हो गया, या तो बिल्डरों ने अपना वो मटेरियल डाल दिया या कूड़ा करकट डाल के सारे फ्लड कर दिए। अब जब बेंगलोर में फ्लड आता है तो सारे बेंगलोर ही टूट जाता है। ऐसे ही बॉम्बे में देखिए जो मेन नदी है, जो वहाँ मेन पानी का सोर्स है, वहाँ जितना भी पानी के मीठी नदी के किनारे वहाँ पर झुग्गियां लोगों ने बसाई है, जो भी वो कूड़ा करकट जो भी चाहे प्लास्टिक हो या कोई भी वो उसी में डंप करते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो पानी के बाहर पूरी तरह नहीं निकल सकता। और दूसरे सबसे बड़ी चीज है प्राकृतिक आफत है। अब देखिए बॉम्बे में क्या होता है, जो बॉम्बे का जब पानी निकलता है वो जाता है समंदर में क्रीक्स के थ्रू। अब आज वहां आ रही है 15 फीट की टाइड लहर, अब जो वो लहर आएगी वो जो बाहर का पानी होगा समुद्र का पानी ज्यादा जाएगा वो बाहर नहीं निकल पाता है। इस चीज में सरकार क्या कर सकती है, जब अचानक इतना जहाँ पर दिन का 30 मिलीमीटर पानी आना हो एक ही दिन में 200 मिलीमीटर पड़ेगा, इस उन जगहों पे ये प्रशासन भी फेल हो जाता है। इसलिए यह जो अब यह चीज है कि लोगों को भी ख्याल रखना, जो ये चीजें हम कर लेते हैं, अब देख लीजिए हमने उतरा चाहे पहाड़ी और ये प्लेन हो, हमने पेड़ सारे जंगल खाली कर दिए। पेड़ का भी अपना ये चीज है कि जो बारिश आती है वो अपने जड़ों से पानी नीचे तक पहुंचा देती है। जब पेड़ ही नहीं रहे तो पानी नीचे से कैसे रहेगा। या प्लेन में जब पेड़ होते हैं, जो भी हमारे दिल्ली हो या कोई भी शहर हो, जो भी उनके जाड़े हैं उनको कंक्रीट किया गया, उनके सीमेंट से बंद किया गया, वो जो पानी आता है वो बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे जहाँ पर जो भी राज्य है 40% जहाँ पर होता था 50% ग्रीन होता था, वो रह गया 10% 15%। जो पहले पानी आता था वो जमीन में चला जाता था, अब जब जमीन है ही नहीं तो पानी कहाँ जाएगा, पानी तो जो फ्लड कर ही लेगा, बाढ़ तो उसे आ ही जाएगी। इसे सरकार भी जिम्मेवार है थोड़ा सा, सरकार भी अपना काम करे, लेकिन लोगों को भी ये चीजें समझनी चाहिए कि जो लोगों की जिम्मेवारी है लोगों को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। अब जैसे भगवान न करे कोई आपदा हो जाएगा, यहाँ जो अभिषेक यात्रा चले केदारनाथ जी स्वामी अमरनाथ वगैरह जी में, लेकिन उस टाइम प्रशासन पे जोर आएगा, लेकिन लोगों को जहाँ लग रहा है कि इस टाइम मौसम अगर ठीक नहीं है तो थोड़ा रुके, रुकी नहीं जब मौसम ठीक हो उसके बाद चले जाएंगे। देखिए कुछ चीजों पर तो जोर सरकारों का भी नहीं है, और ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी और थोड़ी सी सावधानी बरतनी ही चाहिए। त्रिलोक जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जितने मुद्दे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेहतर किया जा सकता है इस स्थिति को, और काफी हद तक जो चैलेंजेस हैं उनको उनका सामना किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि कहीं ना कहीं लोग भी इसको लेकर जागरूक हो। क्या हम जागरूकता के जो अभियान देखते हैं वो नाकाफी है, क्योंकि लोग अभी भी पर्यावरण को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये तो मुद्दा है ही, लेकिन इसकी वजह से जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सबको झेलने पड़ते हैं। बिल्कुल मैम ठीक कह रहे हैं कि आज जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है उसका जो सबसे बड़ा दोषी है वो मानव है। मानव होने के कारण क्या है कि उन्होंने जो हमारे जल जमीन थी उन जमीनों को कंक्रीट की ईंटों में तब्दील कर दिया है। पानी जाएगा तो कहां जाएगा, पूरे जमीनें जो खाली थी वहां लोगों ने जो की बिल्डिंगें बना दी हैं, वहां लोगों ने जो अपना बसाव कर दिया है, तो पानी कहीं जाने की तो जगह रही नहीं है। तो जब जगह नहीं रही तो आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमने क्या किया कि हमने अपने समस्याओं को ध्यान नहीं दिया, हमने ये देखा कि यहाँ पर जगह तो हम बनाते जा रहे, आज स्थितियां ऐसे आ गई है कि जल भराव के कारण ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो जमीने जहाँ पर लोगों ने ऐसे मकाने बनाए हैं वो कहीं धरती के नीचे ना समा जाए, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पर्वतीय जिले हैं,
बारिश का सीजन है और यहाँ पर मानसूनों का चलना, बारिश होगी, आपदाएं भी होगी, क्योंकि हम तो पर्वतीय जिलों में रहने वाले हैं, हमने बचपन से ही देखा है कई खेत का वो टूट रहा है, कभी सड़कें टूटी, कभी चट्टाने दरक रही है, हम लोग को जो है कि पहाड़ों में पहले अलर्ट रहते हैं यार कि इस तरीके से ना किया जाए। लेकिन आज जो भी घटनाएं घट रही है वो कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, विकास को ज्यादा प्राथमिकता दे दिया, और विकास जब किया हमने तो विकास के कारण जो सावधानियां अपनाई नहीं चाहिए थी हमको, वो सावधानियां नहीं अपनाए, उस कारण से क्या हो रहा है कि जब बारिश का सीजन आते हैं वो लैंडस्लाइड की जैसी स्थितियां हमारे सामने आ जा रहे हैं, उससे जनधन की हानि हो रही है। तो वहां पर सबसे पहले जो भी आपके कंस्ट्रक्शन के कार्यक्रम चलते हैं वो उसमें जो कि भूगर्भीय सर्वेक्षण होना चाहिए। अगर आपकी सरकारी संस्था भी बन रही है, ऐसा नहीं कि ये सरकारी जमीन है तो हम यहाँ पर बना दें, क्या वो आपदा से ग्रस्त तो नहीं है, क्या वहां पर नदियां आने का संभावना तो नहीं है, क्या वहां पर कई ऐसी स्थितियां तो नहीं बनने हैं कि भविष्य में जो है कि वो मकान धरक ना जाए। अगर ये योजना बना करके सरकार अगर उन लोगों को प्रसारित करे, क्योंकि हमारे बॉडी सिस्टम बने हैं ना, हर जगह सरकार नहीं जाते हैं, लेकिन सरकार ने अपने सरकारी मुहिंदे बैठाए हुए हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, क्या आपदा के समय वो अलर्ट रहेंगे, क्या आपदा के समय कंट्रोल रूम बना करके कि वो सूचना या घटना के वो घटना के सुनने के लिए होंगे, ये तो बड़ा दुर्भाग्य होगा ना हमारे लिए। हमारे लिए ये चीजें होने चाहिए कि आपदा से पहले जो है कि जो भी ये चीजें हैं उनको चिन्हित करके कंट्रोल रूम में ये वो संभावना होनी चाहिए कि भाई इन लोगों को पहले जो है कि अलर्ट किया जाए। अब नदियों के किनारे जो लोग बस गए हैं, आजकल नदियों ने विकराल रूप रखा है, जब पर्वतीय जिलों में ही इतने जो है कि विकराल रूप रखा हुआ है, तो निश्चित तरीके से जो कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां की स्थिति भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर होगी। तो ऐसी स्थिति से मानव को समझना पड़ेगा, आज प्रकृति का दोहन करने वाला सबसे बड़ा दोषी मानव है। आज आपदाओं जो प्राकृतिक आपदा है उस कारण जो जल भराव की स्थिति होगी उसका कारण मानव है, और दोष हम अपनी किसको दे रहे हैं, सरकारों को दोष दे रहे हैं कि सरकार ने करे, सरकार कहां डालेगी उस पानी को, कहां डालेगी। चलो ठीक है, अभी जो है कि तो नदियों में जा लेते, जहां नदियां नहीं है, जहां ऐसी स्थितियां नहीं है, कितना जो है कि गड्ढा बनाएंगे, कहां कहां करेंगे, उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमने जो हमारे कृषि खेत होते थे उसमें तो हम आवासीय मकानों में चले गए हैं, जब आवासीय मकान हमारे बन गए हैं तो हमारे सामने तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना, यही खामियाजा है जिस कारण से। तो यहाँ पर अगर मानव को सुरक्षित रहना है तो मनुष्य को समझना पड़ेगा, उसको अलर्ट होना पड़ेगा, उसको भूकंप रोधी या आपदा से रोधी जो कानून सरकार ने बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उनका अनुपालन करे हुए तभी वो सुरक्षित रहेगा। अन्यथा ऐसी स्थिति में मैंने पहले भी अपनी बातों में कहा कि जिस तरीके से पर्वतीय जिलों में बारिश हो रही, उस बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों में जल भराव हो रहा, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो मकाने कहीं ना कहीं समा ना जाए। तो ऐसी विकट स्थिति से आने से पहले पहले ही हम उसकी व्यवस्था करने पड़ेगी, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे, और हमारे सुरक्षित रहने के साथ साथ हमने जो हवेलियां बनाई, जो मकाने बनाए अपनी पीढ़ियों के लिए बनाएगा, और वो हमें जो अगर हमारी पीढ़ियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा उन हवेली बनाकर क्या मतलब है। इसलिए जो भी कार्य करते हैं कि हिंदुस्तान के लोग जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जो भी कार्य योजनाएं आपके बने वह कार्य योजना आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो मोबाइल के हमारे नेटवर्किंग जुड़े हुए हैं, जो SMS बने हैं, पहले ही जो है कि उनको अलर्ट किया जाना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी को यह मैसेज दिया था कि मोबाइलों के जो है कि जो आपके SMS जाते हैं वो हिंदी में उनको सूचनाएं दी जाए, क्योंकि पर्वतीय जिले हमारे भारत के कई ऐसे जो है कि राज्य हैं जहां पर अंग्रेजी का बोलबाला नहीं चलता है, ऐसी जगह पर जो है कि उन लोगों को सूचना एक जो कि 2-3 दिन पहले से जाए कि इतने तारीख से यहां पर आपदा आ सकती है, संभावना है, लोगों का भी होता है कि लोगों को समझना होगा कि क्या स्थिति वहां पर बनती है और कितनी ज्यादा चैलेंजिंग प्रशासन के लिए भी हो जाती है। आनंद जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि मौसम भी हम लोग आजकल देख रहे हैं, क्योंकि पूरा ये प्रोसेस होता है जिस तरीके से हम लोग अपने पर्यावरण को रख रहे हैं वही कहीं ना कहीं रिवर्स होकर हम लोग को देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में वो क्या चीजें जिनका हमें बेहद ही ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, खासतौर से इस मानसून में। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब भी आप पहाड़ में जा रहे हैं, पहला तो आपको ये ख्याल रखना है कि मौसम विभाग से जो चेतावनी जारी की जा रही है वो जरूर सुने। फैक्टर वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग इन योर डे टू डे प्लानिंग, ये ख्याल रखें। दूसरा ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप ऐसे जगह पे जा रहे हैं हिमालय क्षेत्र में जो
की बहुत संवेदनशील एरिया है, खासकर मानसून सीजन में लैंडस्लाइड वगैरह होंगे। बिल्कुल, तो देखिए लैंडस्लाइड की स्थिति हो गई और जिस तरीके से सड़कों तक पे मलबा आ रहा है, लोग आवागमन में उनको परेशानी हो रही है, तो ये बताता है कि स्थिति कितनी ज़्यादा बद से बदतर हो गई है। सुशील जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जिस तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर कभी ये चुनाव होता है कि एक तरफ पर्यावरण है और दूसरी तरफ हमारी तकनीक है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण या नेचर जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बात को लोग कब समझेंगे और कब उसके अनुरूप काम किया जाएगा? क्योंकि त्रिलोक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि जो नियम बनाती हैं सरकारें, उन नियमों को ताक पर रखकर अपने बड़े बड़े आलीशान मकान तो बना लिए जाते हैं, लेकिन जो पूरा इलाका है उसको दांव पर लगा दिया जाता है। देखिए जी, सबसे ज्यादा जरूरी जो वो यह है कि हम लोग पर्यावरण के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं जी। जो पर्यावरण में जैसे आप देखिए आजकल हम टनले बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, उससे क्या चीज होता है? जो हम पहाड़ के साथ चीरफाड़ कर रहे हैं भाई, तो वो भी एक बड़ा ये कारण है। या जो हमने माइनस बहुत सारी से जगह बनाई या डैम बना दिए, वो भी एक पर्यावरण के साथ एक खिलवाड़ी है। आप देख लीजिए, आप जैसे सरकार भी जिम्मेवार काफी है, लेकिन हमें अपना भी सोचना चाहिए। आप लीजिए हिमाचल का जो शिमला है, शिमला में कैपेसिटी है 5-6 हजार मकान की। आज से 20-25 साल पहले वहाँ 5 हजार मकान थे, वहाँ के आज जो मकान है 15 हजार पहुँच गया। डेहराडून में रस्किन बॉन्ड बहुत बड़े या राइटर है, जो सारे दुनिया में मशहूर है, उसने अपनी किताब में लिखा है, जब मैं छोटा बच्चा था, डेहराडून में हर सड़क के साथ साथ चल रहा था, छोटे छोटे नाले चल रहे थे, दरिया चल रहे थे, और वो आज से वो नाले नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जब डेहराडून में भाई बारिश आती है तो दुकानों में पानी घुस जाता है, पानी या मकानों में पानी घुस जाता है। ये जो हमने ये परिवार वर्ण के साथ खिलवाड़ करे, ये पहले ही बंद करना पड़ेगा हमें। अब सरकार को क्या चीज करे, चुनौती तो है कि ये 2 महीने तो या इसका सामना तो करना ही है। अब मैं बॉम्बे के हाल बोलता रहा हूँ कि बॉम्बे में जहाँ 20 मिलीमीटर पानी बारिश आनी है वहाँ पर यह 200 आ जाता है, या बाकी शहरों में। इसका मेन जो कारण है वो एक तो अपना देश का, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। यह आज ही नहीं है, सारे दुनिया में ये जो आजकल अमेरिका में लोग तड़प रहे हैं गर्मी की वजह से। बिल्कुल, देखिए ये जो तमाम चीजें हम लोगों ने चर्चा की हैं, अगर ये चीजें अभी भी लोगों को समझ में नहीं आती है तो शायद अब बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और इस स्थिति को इतने बखूबी ढंग से बताने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से मौसम जो है आफत बनकर बरस रहा है, वो कई इलाकों में लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। ऐसे में प्रशासन के जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ लोगों की जो जिम्मेदारी है वो भी लोगों को अब समझने की जरूरत है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।